फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा उद्धव ठाकरे गुट। चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के लिए आयोग के फैसले को चुनौती देने की तैयारी। बीजेपी के किरीट सोमैया ने किया संजय राउत पर वार। आज नहीं होगी मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, जारी होगा दूसरा समन्स। दिल्ली बजट के लिए सिसोदिया ने मांगा था वक्त। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी महाराज का साहस और सुशासन पर जोर हम सबको प्रेरित करता है। पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे को बड़ा तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया। आज कोल्हापुर में अमित शाह करेंगे विजय संकल्प रैली। छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है। मिशन कर्नाटक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज से नड्डा का 3 दिनों का कर्नाटक दौरा। उडुपी और बेलूर में आज करेंगे बड़ी रैली। चिकमंगलुरु में भी बाइक रैली का कार्यक्रम। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। बोले, दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, मुल्क का मुकद्दर बन गया है आतंकवाद। हमारे मुल्क के इस वक्त आधा हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। ये दहशत गर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज FIR नंबर 208 आज रात 8 बजे। 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर।